दिन वही साहब सदर मजलिस रुके पार्लियामेंट के दस्ते मुबारक से इस दवाखाने का इफ्तिताह हुआ और ये मालूम करके भी बड़ी खुशी हुई कि यहाँ अच्छे माहिर काबिल डॉक्टर अपने खिदमात दे रहे हैं। और यकीनन ये लाइन में दवाखाने तो बहुत है लेकिन सही मानों में इस दौर में जो डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के वो काबिल तारीफ़ है, जितनी तारीफ़ करें कम है। क्योंकि कोविड की वबा में के दौर में भी डॉक्टरों की खिदमात को जितना सराहा गया है कभी भी उनकी खिदमात को इसका नुमाया तौर पे लोगों में तारीफ़ के जो मौक़े मिले वो अभी कभी नहीं मिले। बहरहाल ये दवाखाने से मेरी नेक तमन्नाएं वाबस्ता हैं, यहाँ अच्छी खिदमात के ज़रिए लोगों को शिफायाब करेंगे और लोग यहाँ से शिफायाब होकर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ यहाँ से लौटेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन डॉक्टर साहब के हाथ में शफा दे, बरकत दे, तरक्की दे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर आरिफ, फाउंडर डायरेक्टर सफायरस मेडिकल सर्विसेज और सफायरस हॉस्पिटल की जानिब से आप तमाम हजरात को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने आज शमशीरगंज में सफायरस हॉस्पिटल की इब्तदा की है और ये हमारे डॉक्टर इकराम जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है, ये हमारे डॉक्टर फारूक जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल के। यहाँ पर आपको तमाम अमराज का आला से आला इलाज अवेलेबल है। ये पूरा हॉस्पिटल 30 बेडेड का है जिसमें आपको इमरजेंसी रूम में 6 बेड्स है, आईसीयू 7 बेडेड है और आपको 24 घंटे यहाँ पर इमरजेंसी ट्रॉमा और सर्जरी अवेलेबल है। हमारे पास पूरी टीम है माहिर डॉक्टर्स की, आला डॉक्टर्स की एंड एमबीबीएस डॉक्टर्स है उसमें एंड 24 घंटे आपको फार्मेसी की सहूलत है और लैब डायग्नोस्टिक की सहूलत है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के फैसिलिटीज़ को आप अवेल करें और अपने तमाम अमरा से शिफा पाएँ। कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है जैसे कि जी हम यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी अभी डिपार्टमेंट रन करने हैं, जैसा अगर आपका जैसा गायनोकॉलोजी मेटर्निटी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी गायनोकॉलोजी हमारा गायनोकॉलोजी डिपार्टमेंट हमारा हेड करेंगे डॉक्टर जुवेरिया सुल्ताना जो कि काफ़ी माहिर और एक्सपर्ट डॉक्टर रह चुकी है उनका और काफ़ी तजुर्बे का डॉक्टर है। आप वेरिंची हॉस्पिटल के हेड गायनक डिपार्टमेंट रह चुके हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे पुराने शहर के तमाम लोगों उनसे आपकी कंपनी के जो खिदमत थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जी उसके बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सफायरस मेडिकल सर्विसेज शहर के आला और मारूफ हॉस्पिटल्स में जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, वेरिंची हॉस्पिटल्स और दीगर जो आला कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, हम लोग हमारी टीम जो माहिर और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की है, इन्होंने कई वक्त से अपने सर्विसेज को अंजाम दिया है और अभी भी जो है सो कर रहे हैं। और आज हमारी पहली सालगिरह और आप पहला हमारा जो हॉस्पिटल है जो हम शमशीरगंज में खोले हैं, यहाँ पर हमारी वही टीम आपको बजट फ्रेंडली बिल्कुल आपके सहूलियत के हिसाब से बेस्ट सर्विस, बेस्ट से बेस्ट कॉरपोरेट लेवल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि हम बेहतर से बेहतर आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम टू ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद इकरामुद्दीन, आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सफायरस मेडिकल सर्विसेज एज वेल एज सफायरस हॉस्पिटल्स। टुडे वी हैव इनॉग्रेटेड सफायरस हॉस्पिटल्स विच हैज़ बीन डन बाई नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब and other MLAs as well, and we are looking forward to provide quality care, patient care, और हम यहाँ पे best से best facilities आप लोग के बीच देना चाह रहे हैं। हमारे पास ICU services हैं, 7 bed ICU service है जो 24/7 हम operate करेंगे, ER services हैं जो 6 bed ER services हैं, हम आपको वहाँ पे इमरजेंसी केसेस वगैरह अगर हैं कुछ भी तो हम वहाँ पे आपको जो है ना फैसिलिटीज़ आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं।
दीगर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसा कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। ऑर्थोपेडिक के लिए डॉक्टर जान बादशाह, ही इज़ वन ऑफ आर बेस्ट कंसल्टेंट्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ही इज़ अ बेस्ट सर्जन आई वुड से। यहाँ पे उन्हों जो है ना हमारे लिए वक्त देंगे, उनकी तमाम सर्जरीज जो भी डेडिकेटेड टाइम रहेगा उनका, उस टाइम में यहाँ पे तमाम सर्जरीज वो अंजाम देंगे। द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन एंड स्ट्रेस ऑन इज़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एज वेल। हमारे जनरल मेडिसिन के जो डिपार्टमेंट हैं वो रन होंगे सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक, दैट इज़ फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। आप MD जनरल मेडिसिन जो डॉक्टर होंगे वहाँ, उनसे आप अपने सर्विसेज अवेल करवा सकते हैं। सर, अभी जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, अवेलेबल है अगर कुछ इमरजेंसी आएगी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुआ करें कि तीसरा वेव ना आए। अगर खुदा ना करे कि आए, तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई पूरी अवेल है। हम लोग ने फुल्ली इक्विप रखा है हॉस्पिटल को, और हम यही चाहते हैं कि पेशेंट जब यहाँ आए, कोई भी हालत में हो, तो यहाँ से बेहतर होके जाए, यहाँ से खुश होके जाए, और इंशाल्लाह वापस ना आने की यही उम्मीद रहेगी कि पेशेंट वापस ना आए। यूजुअली लोग बोलते हैं कि पेशेंट वापस आना है वगैरह, तो हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन हम अवेल कर ये हमारी सर्विसेज को हम जो अवेल करवाना चाह रहे हैं कोविड के रिलेटेड, हमने ऑक्सीजन को फुली इक्विप रखा है, वेंटिलेटर्स हमारे पास 3 बेड के अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जैसे बढ़ते जाएगा, वी विल स्टार्ट यू नो फुली इक्विप वेंटिलेटर्स भी, हम 7-bedded वेंटिलेटर्स भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई और? यही हमारा सबसे पहला हॉस्पिटल है, वी हैव इनॉग्रेटेड।